चलो तो मैं आगे का पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मुझे संजना बताएंगी कि नेटवर्क क्या है। संजना यस बताइए नेटवर्क क्या है। सर, नेटवर्क सर वो होता है जिसमें दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या फिर दो से ज्यादा कोई पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क कैसे बनता है? दो से ज्यादा कंप्यूटर से मिलकर या फिर दो से ज्यादा लोगों से मिलकर नेटवर्क बनता है, दो या दो से अधिक जब लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? नेटवर्क। नेटवर्क। नेटवर्क बनता कैसे है? किसके थ्रू बनता है? सब पर्सन्स या कंप्यूटर के थ्रू, द्वारा पर्सन्स या कंप्यूटर के थ्रू। नेटवर्क बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत तो पड़ती है ना। ट्रांसमिशन मीडिया की जरूरत ट्रांसमीटर मीडिया मीडिया की जरूरत। मीडिया और ये भी बताइए नेटवर्क के फायदे क्या हैं, सभी लोग बताइए ना। इससे हम इजीली कोई भी सिक्योरिटी के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। आप अपने कोई भी फाइल या फोल्डर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नोट्स है ना, नोट्स में भी लिखा हुआ है, सभी ने लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। क्या था इसका मीनिंग? हम कोई भी फेरिफिकल डिवाइस को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। पेरिफेरल डिवाइस लाइक सीपीयू, प्रिंटर, जो भी बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ओके, दूसरा दूसरा क्या है? हाई रिएबिलिटी क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? वी कैन सेव एनी फाइल इन मैनी प्लेसेस। हम कोई भी फाइल को बहुत सारी जगह सेव कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसमें वी कैन सेव एनी फाइल इन मैनी प्लेसेस। हम कोई भी फाइल को बहुत सारी जगह सेव कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है बहुत जगह सेव करने से? कि हमारा डाटा क्रैश होने की प्रॉब्लम से बच जाता है। क्रैश बच मतलब जाता है, मतलब क्रैश मतलब होता है लॉस होना। ठीक है, ओके सर। पॉइंट के लिए सभी को क्लियर है ये वाला? यस सर। इसको डाउट है जो इतना स्लो बोल रहा है? थर्ड पॉइंट क्या है? स्लो स्पीड। क्या होता है नेटवर्क का फायदा? मैं बहुत शॉर्ट टाइम में वेरी फास्ट कोई भी फाइल शेयर कर सकता है, यानी कि हम किसी भी फाइल को बहुत फास्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसमें क्या होता है? हम कोई भी फाइल को सिक्योरिटी के साथ किसी भी पर्सन को सेंड कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ये वाले सारे फायदे है ना। तो कल मैंने क्या बताया था कि नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क क्या है? जो आज जो भी नए हैं मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि ये नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो एक दूसरे से मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं काफी सारे लोग जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल कैसा होता है? वायरलेस होता है। कैसा होता है? वायरलेस। वायरलेस का मतलब जानते हो, जिसमें वायर ना लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं? वायरलेस। अब वायरलेस से सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं जो क्या बन चुका है? ये नेटवर्क। क्या बन गया? ये नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क किसके द्वारा बना है? वायरलेस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरलेस। और जो टेलीफोन घर पे लगे होते हैं वो कैसा होता है? वायर होता है। कैसा होता है? वायर होता है। जैसे अभी मैंने कल ही बताया था, हम लोग जो अभी बातें कर रहे हैं, सभी लोग हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें 16-17 लोग हैं, वो कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के से?
वायरलेस नेटवर्क। तो ये क्या बन चुका है? नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क को पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मैं आके बताऊंगा फिर। क्लियर है सभी को? हाँ या ना तो बोले। यस सर। ठीक है, यस सर। वायर नेटवर्क है वो दो तरीके से बनता है। किस तरीके से? ट्रांसमिशन मीडिया। किसके द्वारा बनता है नेटवर्क? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार की होती है। देखो, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है। डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार की होती है। गाइडेड, गाइडेड का मतलब होता है वायर। गाइडेड का मतलब क्या होता है? वायर। अनगाइडेड का मतलब क्या होता है? वायरलेस। ठीक है, तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं? अनगाइडेड यानी कि वायरलेस का। ठीक है, और गाइडेड कौन सा होता है? वायर। वायर का मीनिंग अगर हम हमारे घर पर लैंड लाइन होती है या ज्यादातर हम लोग देख सकते हैं घर पर जो डिक्स लगी होती है वो हमारे वायर के थ्रू लगी होती है। हमारे यहाँ ऊपर छतरी लगी होती है वो वायरलेस होती है। छतरी से लेकर हमारे घर पर टीवी तक जो कनेक्शन होता है वो वायर होता है। कौन के लिए? तो कौन सा होता है? वायर। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड। कौन क्लियर? यानी कि वायर और वायरलेस। कौन क्लियर? यस सर। ठीक है, दो प्रकार के ये होते हैं। अब वायर भी तीन प्रकार के होते हैं जो दिख रहा है, गाइडेड वायर भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसका फर्स्ट है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर केबल। तीन प्रकार के वायर होते हैं, कौन कौन से? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर। कौन क्लियर? तीन प्रकार के वायर होते हैं। वायरलेस भी काफी प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने वाईफाई का नाम सुना होगा। यस सर। वायरलेस उसमें कोई तार लगा होता है कि वाईफाई में? नो सर। ठीक है, आपने इंफ्रारेड का नाम तो नहीं सुना होगा, पर देखा सभी ने, ये लिखा हुआ है इंफ्रारेड, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आप लोगों ने देखा तो सभी ने, पर उसका नाम नहीं जानते इंफ्रारेड। देखो, टीवी का रिमोट होता है जो, yes, टीवी के रिमोट के आगे बल्ब लगा होता है। यस सर। उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इंफ्रारेड। ये क्या करता है? टीवी में यूज किया जाता है जिसमें कोई भी वायर नहीं लगा होता है ना। इसी टाइप के काफी सारे होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वाईफाई बोल सकते हैं, हॉटस्पॉट बोल सकते हैं, इंफ्रारेड बोल सकते हैं, ब्लूटूथ बोल सकते हैं। क्या ब्लूटूथ में वायर लगा होता है? नहीं लगा होता। नो सर। वो भी वायरलेस कनेक्शन हुआ। पॉइंट क्लियर? तो हम सबसे पहले आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है ट्रांसमिशन मीडिया। क्या लिखा है ट्रांसमिशन मीडिया में? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप सभी को? सभी को क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मार्ग, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में पढ़ ले, जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में, अगर जिसको समझ में नहीं आए वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ ले। सभी लोग अपना माइक बंद करें, जिसकी आवाज काफी आ रही है, जिसकी मैसेज आवाज आ रही है वो बंद करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिशन मीडिया इज अ रूट, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मार्ग होता है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मार्ग होता है जो हम डाटा को सेंड करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। पॉइंट क्लियर इतना? ठीक है, सूचना तार या तरंगों के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। जो इन्फॉर्मेशन हम करते हैं, मान के चलो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो टेक्निक यूज हो रही है अभी उसका नाम है वायरलेस। अब यहाँ पे सिग्नल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं? तरंगों की फॉर्म में, यानी कि कह सकते हैं उनको वेव्स की फॉर्म में। जो डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है? वेव्स की फॉर्म में। पॉइंट क्लियर? यानी कि हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी लैंग्वेज है, उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स, पर जब वो आपके पास वो जा रहे हैं तो वो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं? वेव्स की फॉर्म में। क्लियर? ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार की होती है?
दो प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है सर। हाँ सर, मुझे ऊपर लाइन समझ में नहीं आई। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ रूट दैट सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। देखो क्या लिखा है, हिंदी में पढ़ो नीचे। ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मार्ग है। रूट मींस क्या होता है, मार्ग। ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मार्ग है, यानी कि रास्ता है। यहाँ पे कौन सा रास्ता यूज हो रहा है, अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं, इसमें कौन सा रास्ता यूज हो रहा है, वायरलेस। कौन सा रास्ता यूज हो रहा है, वायरलेस। क्या कर रहा है, सेंडर से। मैं कौन हूँ, सेंडर। मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, आप उसको सुनते जा रहे हो, तो मैं कौन हूँ, सेंडर। आप कौन हो, रिसीवर। तो जो सेंडर से रिसीवर को सूचना भेजने का काम करता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। जो जो सूचना होती है, यानी कि अब मैं जो बोल रहा हूँ, वो जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है किसकी फॉर्म में, बिप्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में हो जाती है ट्रांसफर, बिप्स की फॉर्म में, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम तरंग। क्या बोलते हैं, तरंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी तरंग की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। पॉइंट क्लियर? ट्रांसमिशन मीडिया को मुख्य रूप से दो समूह में वर्गीकृत किया गया है। यानी ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार की होती है, अभी मैंने आपको बताया था, टू टाइप्स। कौन कौन? टू टाइप्स की, गाइडेड एंड अनगाइडेड, मतलब वायर और वायरलेस। वायरलेस जो कि ये डायग्राम में दिया हुआ है ना। पॉइंट क्लियर? अब आता है हमारा पहला, आता है गाइडेड मीडिया। यानी कि केबल कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, तो पहली है हमारी कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक वायर नजर आ रहा होगा सभी को। यस सर। देख रहा है ऐसा वायर, किस किस ने देखा है, सभी ने देखा होगा जनरली, है ना। इस वायर को हम सिंपल क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं, कि तार चाहिए हमें, तार चाहिए। लेकिन क्या होता है ये, इस तार का नाम क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका नाम क्या होता है, ट्विस्टेड ट्विस्ट पेयर केबल। क्यों बोलते हैं इसे ट्विस्टेड, क्योंकि आपस में ट्विस्ट है, यानी कि आपस में क्या है, लिपटा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेयर। दो तारों का पेयर, ट्विस्टेड पेयर केबल। पॉइंट क्लियर? तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अ ट्विस्टेड पेयर केबल कम इनटू फॉर्म अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि उसे हम बोलते हैं शॉर्ट में यूटीपी, एंड होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे बोलते हैं एसटीपी। इसमें लिखा नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, एसटीपी। पॉइंट क्लियर? यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, एक ऐसी केबल होती है जो आपस में एक दूसरे के साथ लिपटी होती है। ये दो प्रकार की होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट है इसमें, पूछ लो अभी अगर किसी को डाउट हो। किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ू फिर मैं। अब आता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सा, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देखो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, शील्डेड और अनशील्डेड कौन सी होती है। जो अभी वायर था, देखो आपको इस साइड में इमेज दिखाई दे रही है, साइड में ये वाली, हेलो सर कौन सी वाली, ये वाली जिसपे मैं माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूँ। यस सर, दिखाई दे रहा है। तो यस सर, देखो दो प्रकार की केबल होती है, एक होती है शील्डेड और एक होती है अनशील्डेड। ये जो केबल है वो शील्डेड है, देखो इस पे सिल्वर की फॉइल लगी हुई है सभी तार पे अलग अलग सेपरेटली, देख रहे हो आप। यस सर। इस पे क्या लगी हुई है, सिल्वर की फॉइल लगी हुई है। और अनशील्डेड कौन सी होती है,
जो ये वाली थी इस पे कोई लगी हुई है कि सिल्वर की केबल, सिल्वर की फॉइल? नो सर। तो ये कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है, ये वाली कौन सी है? अनसील्डेड। कौन सी है ये वाली? अनसील्डेड। इस पे कोई भी सिल्वर की फॉइल नहीं लगी हुई, पर ये जो मैंने आपको बताई है दूसरी वाली, ये कौन सी हमारी? सील्डेड है। कौन सी है? सील्डेड। देखो यहाँ पे क्या है, सील्ड है ये, किससे? सिल्वर फॉइल से। पॉइंट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो दो प्रकार की होती है, सील्डेड और अनसील्डेड। सील्डेड का मतलब होता है जिस पर सिल्वर की फॉइल लगी हो वो सील्डेड होती है, और जिस पर नहीं लगी होती वो अनसील्डेड होती है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर कंडक्टर। इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग, नीचे में भी लिखा, इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका हिंदी लिखा हुआ है मैंने। इस तरह की केबल में दो कंडक्टर होते हैं जो प्लास्टिक की कवर से ढके होते हैं। इसका मतलब है इस तरह की केबल में एक तार है जिसमें दो वायर होते हैं। कितने होते हैं इसमें? दो वायर होते हैं जो प्लास्टिक के कवर से ढके होते हैं। प्लास्टिक के कवर से ढके थे, ब्लू था, कोई ग्रीन था, कोई व्हाइट था, कोई रेड था, कोई ब्लैक था, ये ना सारे। तो इस तरह की केबल में दो कॉपर होते हैं जो खुद को प्लास्टिक की कवर से ढके रहते हैं, आपस में गुदे रहते हैं। गुदे का मतलब होता है कि वो आपस में क्या रहते हैं? आपस में लिपटे रहते हैं। गुदे का मतलब क्या है इसमें? आपस में लिपटे रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्लास्टिक कवर का रंग भिन्न होता है, यानी कि जितनी भी तार होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है, जिन्हें पहचानने एवं दूसरे बंडल में जोड़ने के काम आता है। क्या होता है, मान के चलो एक वायर है ब्लू कलर का, वो खत्म हो गया, तो उसको आगे मुझे बढ़ाना है तो कौन सा कलर का तार लगाऊंगा? ब्लू ही लगाऊंगा ना, या ब्लैक लगाऊंगा? कोई बताएगा? अगर मेरा ब्लू कलर का वायर खत्म हो जाए, अब मुझे उसको आगे और लगाना है तो कौन सा लगाऊंगा, ब्लू या ब्लैक? ब्लू ही लगाऊंगा, ब्लू लगाऊंगा ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इन्हें पहचानने व दूसरे बंडल में जोड़ने के काम आता है, यानी कि एक बंडल अगर खत्म हो जाता है, यानी कि तार का बंडल अगर खत्म हो जाता है, तो इससे हमें समझ में आता है कि ब्लू वाला तार ये है, तो इसमें ब्लू वाला कनेक्शन हमें करना चाहिए। पॉइंट क्लियर? अब क्या लिखा है, पहले कम्युनिकेशन में दोनों तारों को समांतर रखकर प्रयोग किया जाता है। दोनों तारों को क्या किया जाता है? आपस में रखा जाता है, फिर उन्हें लिपटाया जाता है, यानी कि दोनों तार समांतर, यानी दोनों का एक दूसरे के सामने रखा जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में प्लग लगे होते हैं, दोनों के जब हम प्लग को लगाते हैं वायर में, तो काट कर हम उनको समांतर करते हैं, यानी कि आगे पीछे नहीं रखते, उनको सामने रखते हैं दूसरे के। ठीक है, लेकिन जैसे कि देखो समांतर है यहाँ पर सारे वायर, देखो ये समांतर है यहाँ पर, यहाँ पर दोनों सेम है, दिख रहा है ये सेम है यहाँ पे वायर, यहाँ पे भी वायर सेम है, यहाँ पे भी वायर सेम है, और यहाँ पे भी वायर सेम है, यानी कि दोनों वायरों को ऐसे रखा जाता है कि वो आपस में कैसे रहे, समांतर रहे, यानी कि एक दूसरे के सामने रहे। पॉइंट क्लियर? यस सर। और क्या लिखा हुआ है इसमें, समांतर रखा प्रयोग, लेकिन इस तरह के संयोजन में विभिन्न डिवाइसों में इंटरफेस उत्पन्न होती है। अब मान के चलो जब अपन एक जगह से दूसरी जगह करंट को भेजते हैं, यानी कि मान के चलो सिग्नल्स जा रहे हैं, तब क्या होता है, लेकिन इस तरह के संयोजन में, संयोजन को हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेस में, क्या बोल सकते हैं, इंटरफेस, संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेस। इस तरह के इंटरफेस में विभिन्न डिवाइस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से नॉइस उत्पन्न होती है। अब मान के चलो कभी आपने देखा है या कभी सुना होगा, कभी हम ट्रेन में जाते हैं तो लाइट, करंट की, लाइट की आवाज आती है, ट्रेन में जाते हैं या ट्रेन कहीं खड़ी होती है तो लाइट की आवाज आती है तारों में से, कभी सुना है ऐसा कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो करंट की आवाज आती है? नाइट में सबसे ज्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो होता है, एक जगह से करंट दूसरी जगह जाता है तो आवाज आती है उसमें। जैसे कि अभी हम अभी उस पर बात कर रहे हैं वायर, वायरलेस, वायरलेस में ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब वायर की बात आती है तो वायर में वो आवाज आती थी, तब
तो इसका मीनिंग है जब हम किसी से एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो नॉइस उत्पन्न होती है, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करेंगे तो उसमें आवाज आती है, ठीक है, जिससे डेस्टिनेशन पर नॉइस सिग्नल पहुंचता है। यानी कि जब डेस्टिनेशन का मतलब होता है आप लोग रिसीवर, तो जिससे क्या होगा जब मैं आपको डाटा भेजूंगा रिसीवर के पास तो उसमें क्या होगा नॉइस आएगी, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इस तरह की केबल में दो कॉपर कंडक्टर होते हैं, यानी कि दो वायर होते हैं जो प्लास्टिक से ढके रहते हैं, जो रबड़ होती है तार के ऊपर उसे हम क्या बोलते हैं प्लास्टिक, और आपस में क्या रहते हैं गुदे रहते हैं, मतलब आपस में लिपटे रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्लास्टिक का कवर कैसा रहता है अलग अलग होता है, प्रत्येक प्लास्टिक का कलर कैसा होता है अलग अलग होता है, जो इन्हें पहचानने में आसानी आती है, यानी समझ में आता है ब्लैक तार कहाँ पे लगाना है, व्हाइट तार कहाँ लगाना है, ब्लू तार कहाँ पे लगाना है, ये सब पॉइंट क्लियर। अब क्या लिखा है, पहले कम्युनिकेशन में दोनों तार को सामान में रखा जाता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन अगर हमें बनाना होता है तो उन तारों को हमें क्या रखना पड़ता है समांतर रखना होता है, यानी कि आमने सामने रखना होता है। मैंने आपको बताया था कैसे रखना है आमने सामने, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखना है हमें आमने सामने इस तरीके से। और जब डाटा ट्रांसफर होता है तो मान के चलो यहाँ से डाटा ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पहुंच रहा है, तो इतने ही बीच में एक नॉइस आती है, क्या आती है नॉइस, यानी कि आवाज आती है, पॉइंट क्लियर। किसी को डाउट है पूछो, इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट है इसमें, एक आप बताऊं या फिर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप लोग? नो सर। कोई डाउट नहीं है आगे वाला समझ में? आगे का टॉपिक बताऊं मैं? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कोएक्सियल केबल। कौन सा है? कोएक्सियल केबल। सर सर शील्ड सर दूसरा वाला भी तो है, शील्डेड अनशील्डेड है ना, एक मिनट में ओपन करता हूँ। STP केबल, नेक्स्ट कौन सा है? STP। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को STP? यस सर। पहले कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को? बताओ जरा कौन सा बताया था? दोनों में डिफरेंस क्या था? कोई बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या है शील्डेड और अनशील्डेड में? मैंने अभी बताया था आप लोगों को। क्या हुआ भूल गए क्या? या नहीं पता?
दोनों में बताया था कि शील्डेड होता है उसमें क्या लगा होता है, सिल्वर फॉइल लगी होती है, क्या लगी रहती है, सिल्वर फॉइल लगी होती है, और अनशील्डेड में कुछ भी लगा नहीं होता है ना, बताया था मैंने आप लोगों को। क्या हेलो डिफरेंस भूल गए क्या, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कुछ। संजना कुछ क्वेश्चन पूछा है मैंने। यस सर। क्या क्या डिफरेंस है सील्ड अनसील्डेड में? सर उन दोनों के फॉइल्स का अलग अलग है। फॉइल्स मतलब? सर उसमें जो शील्डेड होती है उसमें मतलब जो कवर रहता है ना वो सिल्वर कलर का रहता है। सिल्वर फॉइल लगी होती है उसपे, क्या लगी रहती है? यस सर। अनसील्डेड सिल्वर फॉइल। अनसील्डेड सर उसमें कॉपर वगैरह कॉपर की लगी रहती है आई थिंक। शील्डेड जो होता है उसके अंदर क्या लगी रहता है, सिल्वर की फॉइल लगी होती है, और अनशील्डेड में कुछ भी नहीं लगा होता। ठीक है, अब आता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था सिल्वर की फॉइल लगी होती है। किसकी लगी रहती है? सिल्वर की फॉइल लगी होती है, जो मैंने अभी आपको ये बताया था। ये बात स्क्रीन पे देखो, इसमें सिल्वर की फॉइल लगी हुई है, स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे सिल्वर की फॉइल लगी हुई है, तो कौन सा हुआ? शील्डेड। कौन सा हुआ? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अनशील्डेड कौन सा था? जिसपे सिल्वर की फॉइल नहीं लगी हुई थी, यानी कि ये वाली। ये कौन सी है हमारी? अनशील्डेड। ये कौन सी है? अनशील्डेड। और ये वाली कौन सी है हमारी? शील्डेड। शील्डेड। पॉइंट क्लियर, डिफरेंस समझ में आया शील्डेड और अनशील्डेड में? यस सर। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ो उसकी। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? शील्डेड की डेफिनेशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक नॉइस, यानी कि जो आवाज आती है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस। एवं क्रॉस टॉक से बचने के लिए इंसुलेटर कंडक्टर के ऊपर मेटल फॉइल या ग्रेडेड मेस का कवर लगाया जाता है। देखो इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस इंसुलेटर कंडक्टर के ऊपर जो मैंने आपको बताया सिल्वर फॉइल, उसको दो तीन नाम से भी जाना जाता है। एक नाम होता है उसका मेटल फॉइल, क्या नाम होता है उसका? मेटल फॉइल, या फिर उसे बोलते हैं ब्रांडेड मेस। क्या बोलते हैं? ब्रांडेड मेस। पॉइंट क्लियर, जैसे वो सिल्वर फॉइल लगी थी उसका एक और नाम होता है मेटल फॉइल या ब्रांडेड मेस। पॉइंट क्लियर, अब इसमें डेफिनेशन पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, यानी कि जब डाटा ट्रांसफर होता है तो कौन सी आवाज आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस। एवं क्रॉस टॉक से बचने के लिए इंसुलेटर कंडक्टर के ऊपर, इंसुलेटर कंडक्टर यानी कि वो वायर जो आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। पॉइंट क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस यानी कि आवाज का नाम है, क्रॉस टॉक यानी कि एक दूसरे से आवाज टकराए नहीं, सिग्नल से एक दूसरे के साथ टकराए नहीं, इसलिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? सिल्वर की फॉइल लगाई जाती है। पॉइंट क्लियर, फिर से समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस जब डाटा ट्रांसफर होता है तो आवाज करता है, पर मैं चाहता हूँ वो आवाज ना करे, तो उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? सिल्वर फॉइल लगा दी। क्या लगा दी मैंने उसके ऊपर? सिल्वर फॉइल। यूटीपी में क्या था? सिल्वर फॉइल नहीं थी तो बहुत ज्यादा आवाज करता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा आवाज करता था, पर मैंने क्या किया? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या हुआ है कि उसमें फॉइल लगी हुई है मेटल की, जिससे वो आवाज नहीं करता और आपस में सिग्नल उसमें टकराते नहीं है। तो इसमें लिखा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस क्रॉस टॉक से बचने के लिए इंसुलेटर कंडक्टर के ऊपर मेटल फॉइल या ब्रांडेड मेस का कवर चढ़ाया जाता है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। अब इस प्रकार की केबल को हम क्या बोलते हैं? एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एसटीपी केबल में नॉइस कम हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप यानी कि नॉइस जो होती है वो बहुत कम आती है। ठीक है, एसटीपी केबल में क्या होती है? नॉइस बहुत कम आती है, किंतु ये यूपी की तुलना में बहुत महंगी होती है। अच्छी तो होती है, साथ साथ क्या होती है? महंगी होती है, यानी कि जो यूटीपी थी वो सस्ती थी पर उसके अंदर ज्यादा आवाज आती थी। एसटीपी केबल है वो क्या है? महंगी है पर उसके अंदर आवाज कम आती है। पॉइंट क्लियर। अब आप लोग पढ़ो इसको, कोई डाउट है तो पूछो सभी लोग।
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस यानी कि क्या होता है बेटा, इसमें क्या है देखो, आपने देखा था इसमें काफी सारे तार गए हुए हैं, इसके अंदर देखो सामने से स्क्रीन पे देखो, इसके अंदर कितने वायर के जोड़े हैं? चार, चार पेयर हैं। कितने पेयर हैं? चार, चार पेयर है, है ना। अब चार पेयर में क्या है, इसमें क्या होता है, एक पेयर दूसरे पेयर के सिग्नल से ना टकराए तो उसे बोलते हैं क्रॉस टॉक, यानी कि ये वाला जो पेयर है नीचे वाले पेयर से आपस में टकराए नहीं, यानी कि इन दोनों के सिग्नल आपस में क्या ना हो, टकराए नहीं, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस टॉक। क्या बोलते हैं? क्रॉस क्रॉस टॉक। पॉइंट क्लियर? यस सर। हाँ, और बताइए सर, इंसुलेटेड कंडक्टर क्या होता है? इंसुलेटर कंडक्टर जो प्लास्टिक का कवर, जो प्लास्टिक का कलर है ना, जो ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, इंसुलेटर कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि पहला वाला व्हाइट और ग्रीन है ना, तो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर कंडक्टर। किसके ऊपर फॉल चढ़ी हुई है? इंसुलेटर कंडक्टर के ऊपर। ओके सर, और पूछो। कोई डाउट है इसमें? नो सर। सभी को? नो सर। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ा आप लोग मुझे बताना, सभी लोग अपने माइक अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इसी से रिलेटेड, जिससे आप मुझे कुछ बता देना इसमें, ठीक है? ओके, तो मुझे आप लोग बताइए कि नेटवर्क के फायदे क्या हैं? सभी लोग बताएंगे, साथ में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाम लेके पूछूंगा फिर बताओगे या सभी लोग ऐसे ही बताओगे? पल्लवी, पल्लवी साहू, पल्लवी साहू आंसर दीजिए। आंसर नहीं मिलेगा तो मैं आगे पढ़ा ही नहीं सकता ना, मुझे कैसे मालूम कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं पता। खुशी शर्मा? यस सर। बताइए जरा, नेटवर्क क्या है? सर नेटवर्क से हम लोग है ना एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम कोई भी अपना ईमेल, कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेकंड्स में कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यस सर। सर और भी नेटवर्क से काफी टेक्नोलॉजिकल फायदे होते हैं हम लोगों को। रिया दुबे, नेटवर्क के और क्या फायदे हैं? यस सर। बताओ रिया दुबे, नेटवर्क के फायदे क्या क्या हैं? सर हम कोई भी चीज एक से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। अभी क्या फायदा है, प्रोजेक्ट एट अ टाइम हम नेटवर्क का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस यस सर। क्या फायदा होगा इसका नेटवर्क का सर अभी? हाँ, जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। हाँ, तो किसके थ्रू ले रहे हो? नेटवर्क के थ्रू ले रहे हो? नेटवर्क के थ्रू ले रहा हूँ, तो ये फायदा है ना नेटवर्क का ही? यस सर। ठीक है, और क्या फायदे हैं सोनल श्रीवास्तव? सर इसमें किसी भी फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं। और क्या बताओ, और बताइए, बस यही है फायदे नेटवर्क के? राजीव रावत तुम बताओ। राजीव? नहीं पता। सिमरन, नेटवर्क कैसे बना?
ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की, दो टाइप्स की सर। कौन कौन सी सर? एक वायर, एक वायरलेस। वायर कौन से होते हैं? मैंने एक नाम बताया था सर, किसी भी आउटपुट डिवाइस होते हैं वो। हाँ वो प्रिंटर वगैरह। हाँ प्रिंटर वगैरह पूछ रहा हूँ, वायर का नाम पूछ रहा हूँ। नहीं पता मुझे, नहीं पता जो चार्ट। और बताओ किसे बताए फिर? अन्यचारी, अन्यचारी बताओ जरा। वायर के नाम बताओ, कितने टाइप के वायर होते हैं? क्लास बंद होने वाली है सिर्फ 5 मिनट में, और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी। कोई बताएगा सर? गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड टू टाइप्स। सिर्फ आपने अभी दो वायर्स बताए हैं, जो है शील्ड ट्विस्ट स्पीयर और अनशील्ड ट्विस्टेड स्पीयर। ठीक है, और मैंने कुछ नाम भी बताए थे। वायरलेस कौन कौन से होते हैं? फर्डेड, इनफर्डेड, कॉक्टेड, फायर, वायरलेस, ऑप्टिकल। मैंने बताया था इंफ्रारेड, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारे वायरलेस है। बताए थे मैंने भी ब्लूटूथ। यस सर। मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना इतने में? नो नो सर। सभी ने नोट्स बना लिए ना जो मैंने बताया अभी तक? यस सर। इसके आगे का मैं कल बताऊंगा, ठीक है? तो इसको आप पढ़ते जाओ, आप काफी लोगों के मैसेज आए हैं कि इसमें काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, पर देखा जाए अगर समझ लिया जाए तो उसे कुछ बड़ा नहीं है। अभी तक अगर देखा जाए तो उसे अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो उसे मन से भी लिख सकते हैं। हाँ या ना? यस। इसमें कोई टफ नहीं है, अगर हमने समझ लिया तो उसे मन से लिख सकते हैं। मैं आपको आज क्लियर बता देता हूँ, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में जो भी लिखा जाता है वो याद करके नहीं लिख सकते आपको। आप सोचो कि मैं किसी से नोट्स लेके याद कर लूँ, ट्यूरी खरीद के ले लूँ या कुछ भी कर लूँ, तो हम उसे याद नहीं कर सकते। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे, ठीक है, अगर आप लोग इसे समझोगे नहीं ना, तो आप इसको एक कुछ भी नहीं लिख सकते इसके अंदर। तो कम से कम आपको थोड़ा बहुत आपको समझना जरूरी है, बिना समझे आप इसमें नहीं लिख सकते, ठीक है? तो उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है? किसी को डाउट हो तो मैसेज करके या कॉल करके मुझसे और भी बाद में पूछ सकता है, ठीक है? ओके? जैसे किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, या किसी को मेरा सुनाई नहीं दे रहा, या वो उसकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है? ओके ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे सर। ठीक है, चलो बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।